Hey friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn a very new chapter, Me and the Ecology Beat, written by John Lixow. So here we go. Sure, it is hard to get people to work for ecology. यानी इकोलॉजी के लिए लोगों से काम करवाना, इकोलॉजी मतलब पर्यावरण, पर्यावरण के लिए लोगों से काम करना बहुत ही मुश्किल काम है. Everybody is in favor of it, but nobody wants to do anything about it. सब लोग ऐसा चाहते हैं कि उनका पर्यावरण अच्छा रहे, साफ सुथरा रहे, लेकिन उसके लिए कोई कुछ नहीं करता है. At least I am doing something, going around telling people what they should do. चलो कम से कम मैं तो कुछ करता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि क्या करना चाहिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए. But all I get is a lot of back talk. लेकिन बदले में मुझे क्या मिलता है? लोग मेरा ही मजाक उड़ाते हैं और मेरी ही टांग खिंचाई करते हैं. I have this paper route. मेरे पास ये पेपर रूट है, यानी चार्ट पेपर है. My father had one when he was a kid. सेम ऐसा ही कागज़ का टुकड़ा यानी पेपर रूट था जब मेरे पापा, मेरे पिताजी जब छोटे थे, बच्चे थे. So he made me get one last year. तो उन्होंने भी सेम ऐसा मेरे लिए एक बना दिया. बिटवीन इट एंड माई होम वर्क, यानी ये काम लोगों को पर्यावरण के लिए बताना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना और स्कूल का होमवर्क के अलावा, मेरे पास आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल्स एंड स्टफ. मेरे पास मुश्किल से ही थोड़ा टाइम बचता था जिसमें मैं बॉल खेलता था और बाकी के खेल खेल सकता था. सम डेज आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स. कभी कभी तो कई रोज़ ऐसा हुआ है कि मैं सिर्फ एक ही इनिंग खेल पाता. बट एनी हाउ ऑन सैटरडेज व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी. जो मैं क्या करता हूँ, मैं सैटरडे के दिन यानी शनिवार के दिन लोगों के घर जाता हूँ, उनके कचरे कलेक्ट करता हूँ और बदले में वो मुझे कुछ पैसे देते हैं. तो वो जो मैं काम करता हूँ तो वो एटलीस्ट मेरा है अच्छा दिन होता और मैं इकोलॉजी के लिए कुछ काम करता हूँ उस दिन. लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग इट वॉज़ अ गुड कलेक्टिंग डे. पिछले शनिवार के दिन था जो अच्छा दिन था कलेक्ट करने के लिए, लोगों से पैसा जमा करने के लिए. इट हैड जस्ट टर्न्ड स्प्रिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर आउटसाइड. मतलब अभी बस ऋतु सीजन शुरू ही हुई थी, यानी पतझड़ का टाइम अभी बस शुरू हुआ था और लोग सारे उस मौसम, वो इतना अच्छा मौसम था कि लोग बाहर खड़े होकर के अपने मौसम का लुत्फ ले रहे थे, मज़ा ले रहे थे. आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस. मैं मिस्टर विलियम के घर गया. एज़ यूजुअल ही ट्राइड टू प्रिटेंड ही इज़ नॉट होम. हमेशा की तरह वो ये कोशिश कर रहे थे कि वो घर पर नहीं है. बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैकयार्ड. पर मैंने उन्हें ये देख लिया था. बैकयार्ड मतलब घर का जो पीछे का एरिया होता है उसे बैकयार्ड कहते हैं. तो मैंने उन्हें देख लिया था वो बैकयार्ड में कुछ पत्तों को जला रहे हैं. सो ही इज़ स्टक. तब वो फंस गया. ही पेज मी. उन्होंने मुझे पैसे दिए, यानी जो गार्बेज मैं कलेक्ट करता हूँ उसके बदले मैं पैसे चार्ज करता हूँ, तो उन्हें पैसे देने पड़े. एंड आई टेल हिम, यानी जब मैंने उनसे पैसे ले लिए उसके बाद उनसे कहा, यू शुडंट बर्न दोज लीव्स. आपको ये पत्तों को नहीं जलाना चाहिए. इट इज़ बैड फॉर एयर, बैड इकोलॉजी. ये क्या है, हवा को प्रदूषित करते हैं, इकोलॉजी को भी ये प्रदूषित करते हैं. यानी ये जो आप पत्ते जला रहे हैं, ये पत्ते जलने से हवा में बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा और ये पॉल्यूशन से इकोलॉजी भी ख़राब होगी. यू शुड मेक अ कंपोजिट पाइल लाइक वी डू. आपको क्या करना चाहिए कि इन सारे पत्तों को इकट्ठा कर देना चाहिए जैसा हम लोग करते हैं. पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ गुड फॉर द गार्डन. आपको एक गड्ढा करना चाहिए, उस गड्ढे में सारे पत्तों को जमा कर देना चाहिए जैसा हम लोग करते हैं, और ये आपके गार्डन के लिए भी अच्छा है. और ये जो आप पत्ते को जमा करेंगे, ये तो कुछ दिन के बाद खाद में चेंज हो जाएगा. खाद में चेंज होने पर आप इसको गार्डन में डाल सकते हैं, आपके गार्डन के लिए काफ़ी अच्छा होगा. ये विलियम्स को समझा रहे हैं. He doesn't agree or hang his head in shame. वो माने नहीं ऐसा करने के लिए, वो रजामंद नहीं हुए ऐसा काम करने के लिए, और उन्होंने फिर भी शर्म से अपना सर थोड़ा झुका दिया. He says that composite pile is your job at home, Jim. यानी जो लड़का है उसका नाम जिम है,
तो उसे मिस्टर विलियम कह रहे हैं कि ऐसा काम करना, यानी पत्तों को कलेक्ट करना, गार्बेजेस को कलेक्ट करना, और ये तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है, ठीक है। तो वो जिम को समझा रहे हैं। यस आई से प्राउडली, यानी जिम ने उनसे बहुत ही प्राउडली कहा कि हाँ ये मेरा काम है। विच वुड शॉक द आइडिया आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट विच आई डू। उन्होंने जिम ने ऐसा बोला, बहुत ही प्राउड के साथ उन्होंने ऐसा बोला कि हाँ ये मेरा काम है और मैं इसे पसंद करता हूँ। मिस्टर विलियम सेज वेल डोंट टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विथ इट, पुट इनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर। तो विलियम्स उसे क्या समझा रहे हैं कि आप जो गार्बेजेस जमा करते हो, लीव्स जमा करते हो और उसे खाद के तौर पे यूज़ करते हो, तो आप क्या करो कि हर लेयर के ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल दिया करो। पुट डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, एक एक परत के ऊपर, जैसे एक परत बन जाए, एक लेयर बन जाए, आप उसके ऊपर मिट्टी डाल दो। देन वी वुडेंट हैव दिस नोज पॉल्यूशन, इससे हमें कम से कम नोज पॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब उसकी दुर्गंध, जो पत्ते सड़ते हैं ना, उस पत्तों की जो दुर्गंध होती है वो काफ़ी बुरी होती है, अच्छी नहीं होती है। तो मिस्टर विलियम्स जिम को ये सलाह देते हैं कि तुम एक काम करो कि जो आप गार्बेजेस जमा करते हैं तो उसके ऊपर मिट्टी का एक लेयर डाल दिया करो, उससे क्या होगा, नोज़ पॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब ये फनी में बोल रहे हैं कि कम से कम उन्हें स्मेल नहीं आएगी, उन लोगों को स्मेल नहीं आएगी। हा आई से यू मीन नॉइस पॉल्यूशन, नो ही सेज आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल अप द होल स्ट्रीट। मतलब उसने ये कहा, जिम ने उसे थोड़ा अच्छे से ये बोला कि ओ तुम्हारे बोलने का मतलब है कि नॉइस पॉल्यूशन। तो मिस्टर विलियम्स ने कहा कि नहीं, मेरा मतलब है नोज पॉल्यूशन। तो ये अब जिम को समझा रहे हैं कि तुम जो खाद बनाते हो, वहाँ पर पत्तों को जमा करते हो, गार्बेजेस को जमा करते हो, उससे बहुत ही रूटीन स्मेल निकलती है, बहुत ही सड़ी हुई स्मेल निकलती है, जिससे क्या होता है, हम लोग को प्रॉब्लम होती है। तो तुम एक काम करो कि जो भी तुम जमा करते हो खाद बनाने के लिए, पत्तों को और गार्बेजेस को, उसके ऊपर मिट्टी का एक लेयर डाल दिया करो, ताकि वो स्मेल, वो दुर्गंध जो है वो ख़त्म हो जाए। माई फीलिंग्स आर हर्ट, यानी जिम बता रहे कि उनकी फीलिंग को हर्ट हुई, उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई, मतलब उनको थोड़ा बुरा लगा। बट दैट डजेंट स्टॉप्स मी, लेकिन वो मुझे फिर भी नहीं रोक सकते फ्रॉम ट्राइंग अगेन, दोबारा कोशिश करने से ये बातें जिम को नहीं रोक सकती है। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीन, मैं जाता हूँ, यानी वो अपने आप को समझाते हैं कि मैं जाता हूँ ग्रीन के पास और पैसे कलेक्ट करता हूँ और गार्बेजेस कलेक्ट करता हूँ। I have to call her Miss Green because if I call her Mrs. she says she doesn't have change to pay me. अब दोस्तों यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि एम एस मिस होता है, एम आर एस मिसेज होता है और एम आई डबल एस मिस भी होता है। तो जो एम आई डबल एस मिस होता है उसके मतलब होता है अविवाहित कन्या, यानी जिनकी शादी नहीं हुई है उनके नाम के आगे हम एम आई डबल एस मिस लगाते हैं, और एम आर एस ये मिसेज होता है, यानी जो शादीशुदा औरतें होती हैं उनके नाम के आगे हम मिसेज लगाते हैं। अब ये जो एम एस है इसका मतलब भी मिस होता है, ये उन लोग, इन महिलाओं के नाम के आगे हम लगाते हैं जो अपना मैरिटल स्टेटस को हाइड करके रखना चाहती है, अपना मैरिटल स्टेटस छुपा के रखना चाहती है लोगों से, तो हमें समझ में नहीं आता कि वो मैरिड है कि नहीं है, इसलिए हम एम एस लगाते हैं उनके नाम के आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जिम बताना चाह रहे हैं कि मुझे उन्हें मिस कह के बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर मैंने मिसेस कहा तो ये कहती हैं कि मेरे पास आज चेंज नहीं है, तुम बाद में आना, इस तरीके से वो बोल के टाल देती हैं, इसलिए जिम को उन्हें मिस कह के बुलाना पड़ता है। शी इज़ पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे, वो क्या करती है, अपने घर के जो कचरे होते हैं, जो गार्बेजेस होते हैं, उसे निकाल करके वो बाहर रख देती हैं ताकि हम उसे उठा करके ले जाए। She goes away on weekends, so on Saturday and Sunday we have to look at the big plastic garbage bags. तो वो हर वीकेंड पर, यानी सप्ताह के समाप्ति पर वो घूमने के लिए जाती है, और इसलिए वो इसलिए हमें सैटरडे या संडे को, जिम कॉर्बेट अपने बारे में बता रहे हैं, सॉरी जिम अपने बारे में बता रहे हैं कि सैटरडे या संडे को उन्हें एक कचरा कलेक्ट करना पड़ता है। उनके लॉन में जो बड़ा सा प्लास्टिक बैग रखा होता है उसमें से कचरा लेके जाना पड़ता है। But I don't say anything about it. I just look at the garbage. लेकिन मैं कुछ नहीं कहता हूँ, चुपचाप से garbage उठाता हूँ लेके चला जाता हूँ।
शी सेज टू मी गो पिक अप दैट गम रैपर यू थ्रू ऑन माई लॉन। तो यहाँ पर मिस ग्रीन बोलती हैं जिम को कि तुमने जो ये गम खाया और उसका रैपर मेरे लॉन में फेंक दिया है, जाओ और जा कर के उसे उठाओ। पुट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, और इसे उन प्लास्टिक बैगों में से किसी एक में डाल दो। डिडेंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर, मतलब तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिक अप माई गम रैपर एंड पुट इट इन अ बैग। यहाँ पर जिम बताते हैं कि उन्हें ये सुन के गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, अपने रैपर को, गम के रैपर को उठाया और ले जाके कचरे के बैग में डाल दिया। देन शी सेज एंड थ्रूज लॉज एंड देयर्स अ लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन लीश, सो वाई इज़ योर ऑलवेज ओवर द प्लेस। अब यहाँ पर जो ग्रीन है वो बताती हैं जिम को कि तुम्हें नहीं पता है कि हमारा जो टाउन इस टाउन का एक कानून है कि हम हमारे घर के कुत्ते बांध के रखते हैं, तो तुम्हारे जो कुत्ते हैं, तुम्हारे घर पर जो कुत्ते हैं वो खुले क्यों रहते हैं, इधर उधर क्यों घूमते रहते हैं। द डॉग डिक्स अप माई गार्डन एंड मेसेज अप माई यार्ड, तुम्हारे जो कुत्ते हैं वो क्या करते हैं, मेरे गार्डन को खोद देते हैं और मेरा पूरा यार्ड को गंदा कर देते हैं। एंड लास्ट वीकेंड मिस्टर विलियम सॉ इट टियर अपॉन वन ऑफ माई गार्बेज बैग, और ये पिछले संडे की ही बात है, पिछले वीकेंड यानी शनिवार भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, पिछले वीकेंड की बात है कि मिस्टर विलियम ने देखा कि तुम्हारा कुत्ता मेरे गार्बेज के बैग को फाड़ रहा है, टियर अपॉन मतलब फाड़ना, फाड़ रहा था। वेल आई से बट आई कांट थिंक ऑफ एनी थिंग टू गो, वेल आई से बट आई कांट थिंक ऑफ एनी थिंग टू गो विद इट, मतलब मैं उन्हें कुछ, ये जिम अपने बारे में बता रहे कि मैं उन्हें कुछ बोल सकता था लेकिन मैंने कुछ बोलना गवारा नहीं समझा, कुछ बोलना सही नहीं समझा और चुपचाप से चला गया। देन आई सी शी इज पिलिंग न्यूज़ पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग, फिर मैंने क्या देखा कि मिस्टर ग्रीन जो है वो न्यूज़ पेपर फाड़ के अपने गार्बेज बैग के पास रख रही हैं। लिसन मिस ग्रीन आई से सेव दोज पेपर फॉर द स्कूल पिकअप एंड दे कैन बी मेड इन टू न्यू पेपर। उन्होंने जिम ने मिस ग्रीन से कहा कि सुनिए मिस ग्रीन, आप ये जो कर रही कि न्यूज़पेपर फाड़ के कचरे में डाल रहे हैं, आप ऐसा मत कीजिए, आप इसे अलग जमा कीजिए, स्कूल के लोग आएंगे और आपके पेपर को लेके चले जाएंगे। सेव एल्यूमिनियम कैंस टू, और ये जो एल्यूमिनियम के डब्बे आप फेंक रही इसे भी सेव करके रखिए ताकि वो लोग जो पुराने न्यूज़पेपर है उससे वो लोग रिसाइकिल करके न्यू पेपर में बना दें, चेंज कर दें। अब मिस ग्रीन कहती है लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप शी आस्क्स, वो पूछती है जैसा पिछली बार स्कूल पिकअप हुआ था, यानी जैसे पिछली बार आकर के सब लोग लेके गए थे। व्हेन यू सेड यू वुड कम एंड पिक देम अप बट यू नेवर शोड अप, मतलब तुमने जब ऐसा कहा था कि तुम आकर के ले जाओगे, तुम्हें आके ले जाना चाहिए था लेकिन तुमने कभी अपनी दोबारा शक्ल नहीं दिखाई। इट इज़ ईजियर टू थ्रो देम अवे अ फ्यू एट अ टाइम देन हैव अ बिग मेस लाइक दैट, मतलब ये आसान होता है कि आप यूज़ करें और उसे फेंक दें, जमा करके रखना बहुत मेस हो जाता है, बहुत गंदगी फैल जाती है उससे। मिस ग्रीन उसे समझाती है, आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, यानी जिम बताते हैं कि मैं अब थक गया हूँ लोगों को, मिस ग्रीन को, विलियम्स को ये सारी बात इकोलॉजी के लिए अच्छा करने के लिए समझा के मैं थक गया हूँ। आई गो टू मिस्टर जॉनसन्स हाउस, फिर जिम क्या होता है जॉनसन्स के घर जाते हैं। ही मेक्स अ रन फॉर हिज कार बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, यानी मिस्टर जॉनसन जो है कार पकड़ने के लिए दौड़ के जा रहे थे लेकिन जिस रफ्तार से मिस्टर जॉनसन दौड़ रहे थे, जिम बताते हैं कि वो उनसे कहीं ज़्यादा रफ्तार में दौड़ सकते हैं। जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेस, यानी जॉनसन बताते हैं कि मैं दौड़ के इसलिए जा रहा हूँ कि पोस्ट ऑफिस के बंद होने से पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। ही सेज हफिंग एंड पफिंग, हफिंग एंड पफिंग का मतलब होता है हाँफते हुए, तो जॉनसन जो है वो हाँफते हुए अपनी कार की तरफ जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मुझे पोस्ट ऑफिस बंद होने से पहले वहाँ पहुँचना पड़ेगा। यू गॉट टाइम आई से, यू इवन गॉट टाइम टू वॉक,
इट्स ओनली 2 ब्लॉक्स, यानी जिम बताते हैं जॉनसन को कि आप चल के भी जाओगे तो आप पहुंच जाओगे, ये बस यहाँ से 2 ब्लॉक आगे ही तो है, यानी पोस्ट ऑफिस जो है बस आपके घर से 2 ब्लॉक आगे है, तो आप चाहो तो चल कर भी जा सकते हो। यू शुडंट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू, मतलब आपको अपनी कार आपके साथ नहीं ले जानी चाहिए जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड सेव ऑन गैस, यानी जो वॉक आप करके जाओगे तो ये अच्छा एक्सरसाइज भी हो जाएगा और गैस भी सेव होगा, यानी जो आप कार लेकर के जाओगे उससे जो पॉल्यूशन होगा वो भी नहीं हो पाएगा और गैस भी सेव होगा। एंड नॉट पॉल्यूट दैट इकोलॉजी, और जो आप कार चलाओगे उससे जो पॉल्यूशन निकलेगा तो वो इकोलॉजी को भी हमारे बर्बाद नहीं करेगा, तो इससे अच्छा आप कार ले जाओ, उससे अच्छा कि आप पैदल चल के वहाँ चले जाओ। दे श्योर आर आई से, यानी जॉनसन बोल रहे हैं कि हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो। वी हैड अ लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल, यानी हमने बहुत स्कूल में पढ़ा है इकोलॉजी के बारे में। दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट, यानी ये हवाओं को बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरी और क्लीन रखती है। इकोलॉजी अच्छी होने से क्या होता है, हवा जो पॉल्यूशन कम होता है उससे हवा भी अच्छी होती है, ताज़ी होती है। सी दैट ट्री ओवर देयर, He says pointing on where there isn't any tree. तो मिस्टर जॉनसन अब क्या करते हैं, जिम को एक पेड़ दिखाते हैं, एक तरफ पॉइंट करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें वहाँ पेड़ दिख रहा है, जबकि वहाँ पर कोई पेड़ था ही नहीं। I don't see any tree, I tell him. यानी जिम बोलते हैं जॉनसन को कि मुझे तो कोई पेड़ वहाँ पर नहीं दिख रहा है। Of course not, he says. यानी जॉनसन बोलते हैं कि हाँ बेशक वहाँ पर कोई पेड़ नहीं है। एंड नो ग्रास ईदर, और कोई घास भी नहीं है। बिकॉज यू मेड अ पाथ देयर टेकिंग अ शॉर्टकट फ्रॉम मिसेस ग्रीन्स, यानी तुमने जो मिसेस ग्रीन के घर से मेरे यहाँ आने के लिए जो शॉर्टकट रास्ता बनाया था उसकी वजह से वो नन्हा सा पेड़ जो है वो तुमने नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, और वहाँ की घास भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि तुम वहाँ पर से शॉर्टकट रास्ता बना के डेली आना जाना करते हो, इसलिए वहाँ पर कोई घास नहीं उगती और वो नन्हा सा पेड़ भी नष्ट हो गया है। देयर वॉज अ लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर देयर अंटिल यू किल्ड इट बाई ट्राइंग टू जम्प ओवर इट एवरी डे। यहाँ पर वही जॉनसन बता रहे कि एक छोटा सा नन्हा सा पौधा था जो शायद बड़ा होकर के एक अच्छा विशाल पेड़ बन जाता, लेकिन तुमने उसे मार डाला, यानी उस पेड़ को तुमने नष्ट कर दिया, क्योंकि तुम उनके घर से मेरे घर शॉर्टकट रास्ता लेकर के आते हो और जिसकी वजह से तुमने पूरा पेड़ और वहाँ पर की घास को बर्बाद कर दिया। ओह आई से, एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर, और तुम मुझे ये बता रहे हो कि मुझे अपनी कार नहीं चलानी चाहिए बल्कि चल चल के जाना चाहिए, जबकि तुम पूरे समर यानी पूरे गर्मी के टाइम में अपनी मोटर बाइक लेके अपने बैकयार्ड में गोल गोल घूमते रहते हो। एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, और ठंडी के टाइम में जो तुम स्नो मोबाइल यानी वो जो गाड़ी होती है जो बर्फ़ में चलती है, विस गाड़ी को स्नो मोबाइल कहते हो, और तुम स्नो मोबाइल ले करके पूरे ठंडी में इधर उधर घूमते रहते हो। Isn't that wasting power and making noise pollution too? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करने से भी pollution, noise pollution होता है और power भी waste होता है, energy waste होता है, तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हें नहीं करना चाहिए? But it's fun, I say. Jim बोलते हैं लेकिन ये करने में मज़ा आता है। Well, I enjoy taking the car to the post office, he says. फिर जॉनसन बोलते हैं फिर मुझे भी पोस्ट ऑफिस तक अपनी कार लेके जाने में मज़ा आता है। But now you have made me too late. लेकिन तुम ऐ बेवकूफ़ लड़के तुमने मुझे बहुत लेट कर दिया है। He goes in the house looking very mad. बिल्कुल पगलाए हुए से अपने घर में वो चले जाते हैं। Then I remember he hasn't paid me. फिर जिम बोलते हैं फिर मुझे याद है कि उन्होंने मुझे कचरे के लिए तो पे किया ही नहीं। But I decide to wait until next Saturday. फिर मैंने सोचा यानी जिम ने सोचा कि चलो अब अगले सप्ताह तक मुझे इंतज़ार कर लेना चाहिए। At least I made him not pollute with his car for once. अब ये जिम ये सोच के खुश है कि चलो कम से कम मैंने उन्हें ये करने से रोक लिया कि वो कार लेकर के पोस्ट ऑफिस तक जाते, उससे पॉल्यूशन होता और इकोलॉजी पे इफेक्ट होता, कम से कम मैंने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। I don't talk to the rest of my route about ecology. It's very boring work, this ecology bit. अब यहाँ पर जिम बताते हैं कि अब वहाँ से लेके अपने घर तक यानी जिम के घर तक उन्होंने इकोलॉजी के पर्यावरण के बारे में किसी से बात नहीं की। एक्चुअली पर्यावरण के बारे में बात करना बहुत बोरिंग है,
अब जी हम अपने आप को समझाते कि पर्यावरण के बारे में कोई नहीं बात करना चाहता, ये बहुत बोरिंग टॉपिक है। बट व्हेन आई गेट होम, फिर जिम बताते हैं कि जब वो अपने घर गए, आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर, मैंने अपनी माँ को देखा कि वो बिजली से चलने वाले मिक्सर का प्रयोग कर रही है। यू शुड डू दैट विथ योर ओल्ड एग बीटर, वो अपनी माँ से जिम बताते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक मिक्सर चलाने से अच्छा है कि आप अंडे फेंटने वाली मशीन का इस्तेमाल कर सकती थी जो हमारे पास रखी है। आई पॉइंट आउट टू हर सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, फिर वो जिम ने उन्हें पॉइंट करते हुए इशारा करते हुए बोला कि आपको इलेक्ट्रिसिटी को बचाना चाहिए। वुमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, फिर वो एक पंच लाइन मारते हैं कि औरतें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक की सामान यूज़ करती है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक बर्बाद करती है, यानी बिजली की बर्बादी बहुत ज़्यादा औरतें करती हैं। शी सेज इन अ वेरी कोल्ड वॉइस, यानी उनकी माँ ने, जिम की माँ ने बहुत ही ठंडी लहजे में उनसे बोला, सो हु वॉचेस टीवी 27 आवर अ डे अराउंड हेयर, फिर उनकी माँ उनसे बोलती है फिर यहाँ पर हमेशा कौन टीवी देखता रहता है, और इज़ दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो बताती है जिम की माँ जिम को कि तुम जो 24 घंटे टीवी देखते रहते हो तो वो जो बिजली से ही चलता है ना, या फिर तुम्हारे लिए कुछ अलग सी बिजली बन करके आती है, तो वो बिजली की बर्बादी नहीं हुई क्या? सी वॉट आई मीन, Nobody is willing to do anything about ecology. फिर यहाँ पे जिम बोलते हैं, देखो मैं बोलता था ना, मेरा क्या मतलब था कि कोई इकोलॉजी के लिए, पर्यावरण के लिए कुछ नहीं करना चाहता है एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा, एंड nobody listen to me, और कोई मुझे सुनता भी नहीं है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आपको ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो। थैंक यू सो मच।